अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की सलामती दे। आज हम बना रहे हैं चाट मसाला, जो नहायत ही मज़ेदार और जायके में बेहतरीन है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आइए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। 250 ग्राम ज़ीरा, आधा पाव गोल बेरी मिर्च और एक पाव या 250 ग्राम सूखा धनिया साबुत, जलवतरी नौशादर, ये नौशादर होता है इस तरह, ये एक इंच का पीस लेना। नमक और काला नमक, सफ़ेद नमक और काला नमक, ये हम सबसे एंड में डालेंगे। और एक टाटरी, ये भी टाटरी है, ये हम ये तीन चीज़ें सबसे हम एंड में डालेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये 12-13 अदद लौंग, अजवाइन 2 टेबलस्पून, एक जायफल, और ये इतने बस, ये थोड़े से बस 2-3 इंच के हिसाब से आप देंगे, बस 3-4 पीस आपने दालचीनी, और ये एक डिश का चम्मच ये वाला, ये एक डिश का चम्मच हमने ये देखें ये लिया हमने काली मिर्च, ठीक है। एक ये सूंठ है मैंने पिसा वाली का, ठीक है, ये भी एक डिश का चम्मच बस। ज़ीरा, सूखा धनिया और गोल बेरी मिर्च को हम अलग अलग भून लेंगे। अब हम ज़ीरे को भूनेंगे और इतना भूनेंगे लो फ्लेम पे कि ज़ीरे की खुशबू आने लग जाए। अब हम गोल बेरी मिर्च भूनेंगे, इसकी एक खुशबू सी आने लग जाएगी मिर्चों की। गोल बेरी मिर्च, पहले हमने ज़ीरा, फिर गोल बेरी मिर्च और अब हम साबुत सूखा धनिया लो फ्लेम पे भूनेंगे। हम लोग इस तरह हर साल बना के रख लेते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम निकल जाता है और ये बड़े मज़े का होता है। ये देखिए हल्का हल्का सा ये ऐसे गोल्डन सा हो गया है और एक बड़ी धीमी धीमी सी धनिए की ना भुनी भुनी सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी। एक इस तरह छलनी ले लेना बारीक और जायफल को इस तरह तोड़ लें मोटा मोटा ना। ये नौशादर को भी आप मोटा मोटा कूट के फिर इसमें शामिल कर दें। अब हमने इन सारी चीज़ों को ना ये जो हमने सारी चीज़ें भूनी थी वो चीज़ें हम बस लेते जाएंगे और इकट्ठे पीसते जाएंगे। ये हम चीज़ें अब डाल के इसमें पीसते जाएंगे और छानते जाएंगे। ये ज़रा लंबा प्रोसीजर है, ज़रा टाइम लेगा ये आपका, लेकिन बहुत अच्छा चाट मसाला भी बन जाएगा। जिस काम में टाइम लगता है फिर वो अच्छा भी बनता है।
वो कहते हैं ना, मेहनत में बरकत है। ये देखें इस तरह मोटा मोटा होगा ना, इसे बारीक छन्नी में आपने छानना है। ये देखें इस तरह, इसको पीसते वक्त मुंह पे कोई दुपट्टा बांध लें, क्योंकि मिर्ची है ना वो उड़ कर जाएंगी। ये टाटरी भी ना इसके अंदर ही मिक्स कर ले ताकि अच्छा बारीक पीस ले। टाटरी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ना तो ये अच्छी बारीक इन मसालों के साथ ही पीसी जाएगी। ये देखें ये हमारा इस तरह चाट मसाला रेडी है, पीस कर ये इस तरह रेडी, इस तरह तैयार हो जाएगा। ये देखें